महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सही उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने हैं, लेकिन ये लड़ाई सत्ता की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां तक कि ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया गया है कि शिंदे गुट विधायक सदा सर्वाकर ने दो गोली फायरिंग की। ऐसे ही कई आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 5 उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट के कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ठाकरे गुट को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी, जिसके बाद यह दोनों गुट आपस में भिड़ गए। गणेश विसर्जन के वक्त भी दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। घटना कल रात देर की है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ठाकरे गुट के 5 कार्यकर्ता जो गिरफ्तार हुए, उनके भी कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। बताया गया है कि मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शिंदे और ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिंदे गुट के महेश तेलवने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस शिंदे गुट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि दादर पुलिस स्टेशन में ठाकरे गुट के सदा सर्वकर समेत कुछ लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। फायरिंग के आरोपों पर भी पुलिस जांच कर रही है। सदा सर्वकर के पास लाइसेंसी पिस्टल है, तो उसका रिकॉर्ड नजदीकी स्टेशन में होगा। पुलिस जांच करेगी जिनमें पिस्तौल और सर्वकर के पास कितने कारतूस हैं। पुलिस रिकॉर्ड में मिली जानकारी के अनुसार सदा सर्वकर के पास उतने कारतूस होने जरूरी है। इसके अलावा पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि फायरिंग के आरोप की सच्चाई की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत और गवाह होना जरूरी है। जिन 5 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया उनमें महेश सावंत, शैलेश माली, संजय भगत, विनायक देवरुखर, प्रथमेश विदू शामिल हैं। लेकिन देखना यही है कि क्या शिंदे गुट पर भी कार्रवाई होगी, क्या इनके खेमे से भी गिरफ्तारी होती है या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।